नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह। ओके, हमने देखा था ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है और जिस पर ये ठीका थीटा टिका हुआ है वो बेस। और हम जानते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस इक्वेशन को मैंने अगर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर वन, पी बाई एच क्या होता है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, b by h cos square तो cos square theta। यहां से हमें क्या पता लगा, sin square theta plus cos square theta क्या होता है 1, sin square theta plus cos square theta 1। अगर इस equation को मैंने h square p square से divide कर दिया, p square b square by p square h by p क्या होता है cosec, तो क्या लिख दूं इसे cosec square theta p by p 1 मतलब p square by p square b by p क्या होता है cot, क्या हो गया cosec square theta equals to 1 plus cot square theta। और यदि मैंने इस equation को b से divide कर दिया, h square equals to p square plus b square को b square से divide किया, h by b क्या होता है sec, तो स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा, p by b tan स्क्वायर थीटा, b by b 1। तो क्या तीन इक्वेशन पढ़ी हमने, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा कोई भी एंगल है, cos sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आज हम बात करेंगे पहली इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर मैं इसको दूसरी तरह से ओपटेट कर सकता हूं, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट, अगर मैं इसे कॉस से डिवाइड करूंगा तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस बाई कॉस 1, ये दो तरीके, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए तीन इक्वेशन कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कह सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, आज हम बात करेंगे पहली इक्वेशन की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसकी बात करते हैं आज। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, सकता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a into a, तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, मैंने इस कोई भी चीज अगर
ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वन इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। वन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करे वही रहेगा, सेम रहेगा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। हमने एक बात पढ़ी थी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा, या मैं कह दूं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन का साइन रह दिया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू वन। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को चेंज कर दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल्स टू वन। क्या इसी तरीके से कॉस में भी लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू वन। मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, मतलब अगर ये वैल्यू एंगल की बराबर है तो इक्वल्स टू क्या होगा, वन। जैसे कोई कहती साइन स्क्वायर टेन डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर टेन डिग्री की वैल्यू, तो दोनों एंगल बराबर है तो वैल्यू वन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। दोनों एंगल बराबर है तो इनकी वैल्यू वन। लेकिन अगर कोई कह दे साइन स्क्वायर टेन डिग्री प्लस साइन स्क्वायर टेन डिग्री ये वन होगा, नहीं ये वन नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है सेम, और दोनों किसमें साइन में, ये वन नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, लेकिन साइन स्क्वायर टेन डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री कह दे कोई, क्या ये वन होगा, बिल्कुल। साइन 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टेन, 90 माइनस 80, तो साइन 80 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस टेन। साइन स्क्वायर टेन प्लस कॉस स्क्वायर टेन वन, या फिर दोनों के एंगलों का, अगर ये दोनों साइन है साइन स्क्वायर तो एंगल्स जो है उनका सम अगर 90 डिग्री है तो वन। अभी पढ़ा है थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट गया कितना बचा 90 डिग्री, या फिर मैं कह दूं कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ये तो वन होगा, दोनों एंगल सेम, लेकिन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री ये वन होगा क्या, नहीं ये वन नहीं होगा। कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, 65 और 25 90, क्या ये वन होगा क्या, हाँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, वन। किसके इक्वल होता है, वन। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा गया, सम कितना 90, 65 और 25 90, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन। गॉट इट, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 10 डिग्री इक्वल्स टू 1 पॉइंट थीटा। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है अगर दोनों एंगल्स क्या हो, इक्वल, दोनों एंगल्स क्या हो, इक्वल। तो क्या मैं इसे लिख दूं कि जो 60 डिग्री है मेरा वो 2 थीटा माइनस 10 के इक्वल है, 10 इधर आया तो 60 एंड 10 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा, 70 अपॉन 2 35, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई
35 डिग्री, क्योंकि ये 1 कब होता है जब दोनों एंगल्स यहाँ के क्या हो इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब एंगल्स, दोनों एंगल्स क्या हो सेम, तो ये 60 डिग्री है, ये 2 थीटा माइनस 10 है, दोनों इक्वल होंगे, इसको इसके इक्वल रख दूं, 10 इधर गया, 60 प्लस 10 70, 2 थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। थ्री साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, यू हैव टू फाइंड कॉट अल्फा। सेकेंड क्वेश्चन, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, कॉट अल्फा, किसकी वैल्यू बतानी है, कॉट अल्फा। मैंने देखा, मैं जानता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1, किसके इक्वल होता है 1, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इसे मैंने 7 को 3 प्लस 4 लिख सकता हूं ना, 3 प्लस 4, तो इसे लिख दिया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, इन दोनों में से कुछ कॉमन है 3, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, जब एंगल बराबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की 1, तो इसके और मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं क्या, 3 क्या लिख दिया 3 प्लस 4, और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, जो अल्फा है मेरा ये बिलोंग्स करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, चार में से ये 3 इधर आके माइनस में आएगा, 4 में से 3 गया 1, कॉस अल्फा की कॉस स्क्वायर अल्फा 1/4, कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/2 या 1/2, 1/2, क्योंकि अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो इसे मैं क्या लिख दूं, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1/2, हमें क्या बताना है कॉट अल्फा, ये कॉस अल्फा बेस हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा रूट 3 एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 रूट 3, तो कॉट अल्फा क्या होता है बी बाय पी, बी कितना है 1, पी कितना है रूट 3, तो आंसर 1/√3, या फिर ये ना करके कॉस अल्फा 1/2 किस कब होता है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, और कॉट अल्फा मतलब कॉट 60 1/√3। आया समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नंबर नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस, ये साल सीपीयू में आया था, साइन स्क्वायर 66 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस, यहां लिख रहा हूं प्लस कॉस 61 इंटू साइन 29, एंड द ऑप्शंस आर 0, 1, 2, 3, ऑप्शंस क्या है 0, 1, 2, 3, से एक बार रब कर दूं, मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 अपॉन कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 प्लस साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस 61 इंटू साइन 29। मैंने देखा 24 एंड 66,
कितना हो गया 90, दोनों साइन में वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अभी करा था हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है 1, या फिर साइन स्क्वायर 66 को मैंने कन्वर्ट किया कॉस में, 90 माइनस 66 24, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर 24, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, 66 और 24 90 तो होते हैं, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1, 24 और 66 90, जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर 66 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 24, मतलब क्या हो गया साइन स्क्वायर 24, तो साइन स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 24 1 प्लस ये कितना है साइन स्क्वायर 61। मैंने दिखा ये कॉस स्क्वायर 61 साइन सॉरी कॉस 61 साइन 29, साइन 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 61, 90 डिग्री माइनस 61 90 में से 61 गए 29, कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या लिख दूं इसे कॉस 61, कॉस 61 इनटू कॉस 61 कॉस स्क्वायर 61, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 आंसर 2, आंसर 2, गॉट इट। आगे बढ़े अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो पहले पुरानी वीडियोस है उन पर जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम जानते हैं क्या किसी ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं, मतलब क्या होगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहली बात तो इसे मैं ये लिख सकता हूं क्या ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसे मैंने लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके लिए ए क्या है ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आया समझ में, अगर ए की पावर 8 बी की पावर 8 हो इसके लिए ए की पावर 4 का स्क्वायर बी की पावर 4 का स्क्वायर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 लिख सकता हूं, एलजेब्रा में पढ़ेंगे पूरे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। कॉस पावर 4 अल्फा माइनस साइन पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने कहा ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो इसे मैं कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा इसको क्या लिख सकता हूं, अभी बात करी थी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू वही चीज आएगी जिससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा जो पूछ रहा है उसमें साइन स्क्वायर अल्फा तो है ही नहीं, जो चीज हमसे पूछी जा रही है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें कहीं साइन स्क्वायर अल्फा है नहीं, और हमने अभी यहां से पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं किस क्या लिख सकता हूँ
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख दू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख दू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वन तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर पहले स्टेप अभी कर लो पूरा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन। क्या यही वैल्यू निकालनी थी? हाँ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्या 2/3। आंसर क्या हो गया 2/3, आंसर क्या हो गया 2/3। आया समझ में? कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 2/3 है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ 1 होती है, इसकी 1 होती है तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करी तो यही चीज आएगी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा को मैं जानता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। तो इसे मैं लिख ली कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट से बाहर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो वैल्यू सेम रहेगी क्या? क्योंकि यही किस में चीज में जब इसको मैंने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3, तो सेम आएगा क्या? और अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे वो ये ना पूछ के ये पूछ लेता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमने यहां तक तो किया था यही होता। लेकिन अब मेरे से क्या पूछ रहा है वो साइन, इसमें कहीं कॉस स्क्वायर है क्या? नहीं, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दूं? चलो देख लेते हैं। जैसे मेरा आया था अभी तक यहां सॉल्व करने पर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2/3 है। अब मेरे से जो क्वेश्चन में इस वाले में कहीं कॉस आ रहा है क्या? नहीं, तो मैं क्या करूं कॉस की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2/3। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2/3। और ये ना देखे अगर ये पूछ लेता 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या मैं माइनस से कर दूं, माइनस से कर रहा तो क्या आया 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो इधर भी होगा माइनस 2/3 माइनस 2/3। समझ में आया? आगे बढ़े। जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 साइन अल्फा प्लस 50 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। आपको बताना है कॉट अल्फा क्या हो, तो बताना है कॉट अल्फा की वैल्यू, और दे रखा है अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, एम आई राइट? अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने देखा 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, तो हमें कॉट अल्फा की वैल्यू बता दी है। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अभी पढ़ा था। क्योंकि अगर मैंने ऐसे किया तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना आता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7। अब जब एग्जाम में करेंगे तो ये पूरा नहीं लिखना होता, डायरेक्ट में क्या लिखता 50 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन अल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा। बार बार साइन स्क्वायर अल्फा तो नहीं लिख रहा मैं, तो मैंने क्या किया साइन अल्फा को मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स इज इक्वल टू 7। इसकी मल्टीप्लाई मैंने माइनस से करी, चलो पहले आप देख लो 7 इधर आएगा तो ये 8 हो जाएगा, 15 में से 7 गए 8 इज इक्वल टू 0, इसकी मैंने मल्टीप्लाई किससे करी माइनस, तो क्या हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
अब साइन अल्फा को मैंने क्या सपोज किया है, एक्स, तो लिख दो 15x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0 लिख दो। क्या ऐसे सॉल्व करते हैं, जिसपे पावर वन है, जिसपे पावर वन है उसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट करने पर तो जो इनके कॉन्स्टेंट का प्रोडक्ट करने पा रहा है वो आए 15 × 8 = 120, और एड करने पर सेम थिंग आए ताकि इक्वेशन सेम रहे। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 15 × 8 क्या हो जाएगा, 15 × 8 = 120, तो 120 मल्टीप्लाई करना है और अंतर 2 का हो तो 12 × 10 होता है 15x², 12 और 10, क्या 12 और 10, 12 × 10 = 120, लेकिन साइन आगे का क्या है -2x, तो बड़ा कौन सा लूंगा मैं, -12x - 12x + 10x, अगर ये प्लस होता तो 12x + 10x फिर इक्वेशन अलग होती, ये भी क्या होता प्लस होता, नहीं ये माइनस होता, फिर 12 × 10 क्या हो जाता 120, लेकिन अगर ये प्लस का होता तो 12 वाला प्लस का लेते क्योंकि 12 में से 10 गए प्लस 2, लेकिन 10 में से 12 गए -2, -8 = 0 लिख दूं, ये क्या हो जाएगा 3x, कॉमन ले लिया 3x, 5x - 4 लिख दूं, क्या इधर कॉमन है क्या, हाँ 2, क्या बचा 5x - 4 = 0, क्या बचा 3x + 2 × 5x - 4 = 0, एक्स की वैल्यू क्या आई, एक बार इसके इक्वल 0 रखा तो एक्स की वैल्यू क्या आई -2/3, एक बार इसके इक्वल 0 रखा तो 5x - 4 = 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आई 4/5। एक्स क्या माना है मैंने, साइन अल्फा, मतलब ये क्या है साइन अल्फा है, लेकिन इसमें से कौन सी वैल्यू होगी सोचो बताओ, इसमें से क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि अल्फा किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट में साइन अल्फा कभी नेगेटिव नहीं होती, साइन अल्फा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई 4/5, लेकिन हमसे साइन अल्फा पूछा है क्या, नहीं, साइन अल्फा क्या होता है P/S, तो 5 4 हमने ट्रिपलेट पढ़ा है, क्या होता है 3 4 5, तो कॉट अल्फा क्या होता है B/P, बी कितना है 3, पी कितना है 4, तो आंसर 3/4, आंसर 3/4, ये समझ में आया -2/3 क्यों नहीं होगा, साइन अल्फा दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन अल्फा नेगेटिव नहीं होता, अगर यहाँ दे देता अल्फा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट दे देता तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं थी साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव, तब ये होता, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट देता तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, फिर ये वैल्यू पॉसिबल होती, फोर्थ देता तो साइन फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, फिर ये होता, तो हमें क्वाड्रेंट अगर दे रखा है कि किस में लाई कर रहा है तो वो भी देखना है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं पहले, अगर मेरा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी है और कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, तो आपको वैसे ही पूछ ले कोई टेन थीटा बताना है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है तो टेन थीटा बताना है। मैं जानता हूं, अभी देखा था हमने साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 होता है। इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया ए बाई सी साइन थीटा, क्योंकि मैंने देखा इक्वल्स टू में क्या होता है 1, तो मतलब मैंने पूरी इक्वेशन को सी से डिवाइड कर दिया या सी को यहां ले आया, ए बाई सी साइन थीटा प्लस बी बाई सी कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, मैंने जब इसको इससे कंपेयर किया तो ये तो साइन है कॉस है, मतलब साइन की वैल्यू क्या हो गई ए बाई सी,
इसे मैंने लिख दिया ए बाई सी साइन थीटा प्लस बी बाई सी कॉस थीटा, सी को नीचे ले आया। अब मैंने इसके साथ कंपेयर किया तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, ए बाई सी, और सी मेरा बड़ा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ठीक है ये हो सकती है। लेकिन अगर सी छोटा होता तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी वन से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती जानते हैं हम, क्योंकि नीचे हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर या बेस से छोटा नहीं हो सकता। कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच, अब आपसे किसी की भी वैल्यू पूछे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन बाई कॉस, सी से सी कैंसल आउट, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई ए बाई सी, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई ए बाई सी, टेन थीटा क्या हो गया ए बाई सी। लेकिन अगर हमेशा ध्यान रखो, ये करने की भी जरूरत नहीं है, अगर ए बी सी ये ट्रिपलेट है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये जो होगा साइन थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर होगा, जो कॉस के साथ होगा ये बेस होगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, अभी हमने देख लिया है साइन थीटा ए बाई सी कॉस थीटा बी बाई सी। मतलब अगर टेन थीटा पूछ ले तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं, जो साइन के साथ है पी और जो कॉस के साथ है बी। आए समझ में, आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस। थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा इक्वल्स टू फाइव, तो कॉट थीटा बताना है। पहले पूरा देखते हैं, इसे मैंने अब इसके डायरेक्ट इससे कंपेयर करके बिना भी कर सकते हैं हम, इसे थ्री साइन थीटा को इधर ले जाऊं, फाइव माइनस थ्री साइन थीटा हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिएंगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो ये होगा थ्री बाई फाइव साइन थीटा प्लस फोर बाई फाइव कॉस थीटा इक्वल्स टू वन। अभी बताया इस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री बाई फाइव, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर बाई फाइव, कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, यहां से साइन थीटा की वैल्यू हो गई थ्री बाई फाइव, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई फोर बाई फाइव, कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन, तो क्या हो गया कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, कॉस क्या है फोर बाई फाइव, साइन क्या है थ्री बाई फाइव, फाइव से फाइव कैंसल आउट, आंसर फोर बाई थ्री। यह डायरेक्ट बताया था कॉट क्या होता है बी बाई पी, ये बी हो गया ये पी हो गया, आंसर फोर बाई थ्री। समझ में आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसी इक्वेशन पर सॉल्व, इसी इक्वेशन पर बेस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, अगला शायद पार्ट भी इसी पर आए पूरा, अभी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।